हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं श्वेता सिंह। आज हम आपको गजानंद पटेल के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आधुनिक ढंग से खेती करते हुए आज उस मुकाम पर है जहां पहुंचने के लिए लोग जी जान लड़ा देते हैं। सिर्फ 4 एकड़ में 40 लाख रुपए सालाना कमाने वाले गजानंद पटेल गाँव में खेती करते हुए इतनी प्रसिद्धि पाली है कि उनके पास शहर से कृषि वैज्ञानिक भी सलाह लेने आते हैं। कभी पानी की कमी और कभी पानी की अधिकता से फसलों को मरते देखने वाले इस किसान की हिम्मत कई बार टूटी। दलाल और मौसम की मार ने कई बार लाखों का नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। खेती करने और लाभ का धंधा बनाने की जिद से आज वह नंबर 1 और उन्नतशील किसान बन गया है। हम बात कर रहे हैं महासमुंद जिले के छपोरा डीह गांव के 39 वर्षीय किसान गजानंद पटेल की, जो सिर्फ खेती करके सालाना 40 लाख रुपए कमाते हैं। पटेल के पास महज 4 एकड़ की कृषि भूमि है। पहले उन्हें धान की फसल से 80,000 रुपये का सालाना लाभ मिलता था। अब फल और सब्जी की खेती से इतनी ही जमीन पर न्यूनतम 40 लाख की सालाना कमाई हो रही है। पटेल पॉली हाउस खेती करने वाले प्रदेश के पहले किसान हैं। वे कहते हैं, खेती के लिए जीवटता के साथ व्यावसायिक दृष्टिकोण जरूरी है। नई तकनीकों के इस्तेमाल से ही किसान उन्नतशील होगा, इसलिए पॉली हाउस खेती को अपनाया। किसान अक्सर मौसम और कीट पतंगों की मार से फसल को नहीं बचा पाता, ऐसे में पॉली हाउस वरदान साबित हुआ है। मौसम चाहे जो हो, यहाँ की फसल 100% उत्पादन से किसान को लाभ पहुँचाएगी। उनकी तरबूज की खेती ने मुंबई के बाजार में खासी पहचान दिलाई। देश के कई हिस्सों से किसान यह खेती देखने पहुंचे। दलालों की गिद्ध नज़र भी पड़ी और अधिक मुनाफा दिलाने के नाम पर साल 2003 में 8 लाख रुपए का चूना लगा दिया। दलालों की मार से अभी उबर नहीं पाए थे कि साल 2004 में हुई ओलावृष्टि ने 16 लाख की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। 2 साल के भीतर 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन जिद के आगे जीत है मानते हुए फल और सब्जी की खेती से मुंह नहीं मोड़ा और आज वो उन्नतशील किसान है। गजानंद पटेल ने बंजर हो रही मैदानी जमीन में खीरा और शिमला की खेती कर यह साबित कर दिया है कि कम लागत में अधिक मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। गजानंद ने महज मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन आज हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उनके द्वारा तैयार वर्मी कंपोस्ट खाद खरीद रहा है। विभाग की सलाह पर गजानंद ने लीलियम फूल की खेती की और 1.5 महीने में भोपाल बाजार से 17 लाख का मुनाफा कमाया। अब झरवेरा फूल की तैयारी शुरू की गई है, जल्द ही इसकी खेती भी होगी। फसल परिवर्तन की ऐसी सफलता राज्य में किसी किसान ने हासिल नहीं की है, यह राज्य सरकार के साथ कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक भी मानते हैं। इस सफलता के लिए गजानंद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल समेत कई कृषि वैज्ञानिक समय समय पर सम्मानित कर चुके हैं। गजानंद सम्मान को आगे बढ़ने का रास्ता मानते हैं। अब उनसे उन्नत बीज तैयार करने का तरीका सीखने कृषि वैज्ञानिक भी गाँव पहुँच रहे हैं। 1 दशक से फल और सब्जी की खेती में गांव के साथ क्षेत्र को नई पहचान देने वाले किसान गजानंद दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। छपोरा डीह के साहू सोहन लाल निषाद, झरी राम ध्रुव और प्रभु राम दीवान जैसे 50 से अधिक किसानों ने तरबूज की खेती में गजानंद के अनुभवों का लाभ उठाते हुए महानगरीय बाजार में जगह बना ली है। वे कहते हैं कि पटेल ने हमें एक फसली खेती का हताशा भरी जिंदगी से उबारा है। पहले वे कर्ज लेकर खेती करते थे, लेकिन अब उसकी आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, गजानंद पटेल की कहानी को बताने का मेरा यही उद्देश्य है कि आज लोग गांव से अपनी खेती बाड़ी छोड़कर पैसे कमाने के लिए शहर जाते हैं। अगर आप भी गजानंद पटेल की तरह आधुनिक खेती अपनाएं तो शहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन बिता सकेंगे।
तो दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो के अपलोड्स की जानकारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जिन्होंने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।